ये हमारे पास चैप्टर 5 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम इनकी पहले तरतीब लगा लेते हैं, ठीक है। तरतीब इनकी कैसे लगाएंगे? 5ax a माइनस 5bx माइनस 3ay प्लस 3by। ये हमने इसकी तरतीब लगाई, जैसे कि ये 5ax है तो हम ये माइनस 5bx यहाँ ले आए, ठीक है। उसके बाद हम माइनस 3ay और ये जो प्लस 3by है वो हम इसके सामने, यानी कि इसको तरतीब लगा दी। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये पेयर है, एक ये है और एक ये है। यहाँ से कॉमन क्या है जी? ये 5 और ये 5। उसके बाद ab ए कॉमन न भी आ सकता है, x दोनों में है तो हम यहाँ पर x भी ले लेते हैं। और अब यहाँ पर जो बाकी बच गए उनको लिख लेते हैं, जैसे कि ये हमने x ले लिया था तो यहाँ पर a और x आगे इधर माइनस यहाँ पर डाल देंगे, और b हमने नहीं लिया तो यहाँ पर b लिख देंगे और x यहाँ पर आ गया तो इसको यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद ये दूसरा पेयर है, यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे और यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए बी नहीं आ सकता, वाई दोनों में आ रहा है तो यहाँ पर वाई कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर जो बाकी हैं ब्रैकेट में उनको लिख लेंगे। ए हमारे पास बचा, ये इधर आ गया, ये भी हमारे पास बचा ए। उसके बाद ये हमने देखे बाहर माइनस लिखा है तो हम प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 3 आ चुका है, यहाँ पर बी नहीं है तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे, वाई यहाँ पर आ चुका है तो इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको मज़ीद नीचे जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं। 5x अब यहाँ पर जो है ये पहले लिख लेते हैं, जो कॉमन आया है पहले a माइनस बी सेम आ जाएगा। अब क्या बचे हैं जी? 5x ये वाला और माइनस 3y। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।